हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज काफ़ी बड़ी है लेकिन जो हमारा मकान बन रहा है वो 20 फीट चौड़ाई के अंदर और 60 फीट लंबाई के अंदर बन रहा है। और जो हमारा प्लॉट का मुख है वो साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ इसका प्लॉट का मुख है और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 20 फीट है, 20 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है। और जो हमारी मकान की लेंथ है, लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 60 फीट है, 60 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 20 × 60 फीट एरिया के अंदर ये टोटल जो हमारा मकान है वो बन रहा है। और साउथ फेस है, दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख है। साउथ के अंदर यहाँ पर हमारी कुछ जगह छोड़ के फिर सामने हमारी रोड आ जाएगी और तो इस कारण से हमारे मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साउथ फेस। लेकिन हमने जो घर का मेन डोर दिया है वो पूर्व दिशा के अंदर दिया है क्योंकि तीनों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी इनकी खुद की प्रॉपर्टी है पूर्व दिशा के अंदर। तो पूर्व दिशा के अंदर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट 11 इंच × 12 फीट। 7 फीट 11 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा लिविंग एरिया हुआ है, जिसकी 3 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। यहाँ पर आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे। और अब इस लिविंग एरिया की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा आ रहा किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 1 इंच × 12 फीट है। 8 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 3 फीट की विंडो एक हमारी पूर्व दिशा के अंदर और एक 3 फीट की विंडो सामने दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इस किचन का 1.5 फीट का दरवाज़ा सामने भी निकल रहा है। अभी मान लो कि ये जो हमारा मेन डोर है ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। यहाँ पर अगर आपके कोई मेहमान वगैरह बैठे हैं और अगर घर की लेडीज़ बाहर है तो आप यहाँ से सीधा दक्षिण दिशा से, ये हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दिया है, आप यहाँ से सीधा एंटर हो सकते हो किचन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक किचन का दरवाज़ा बाहर की तरफ दे रखा है। तो ये हमारा हो गया किचन 8 फीट 1 इंच × 12 फीट का। किचन से वापस बाहर आता है, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा भी हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 10 बाई 12, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 1.5 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है और 1.4 फीट की विंडो इधर हमारी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 6 इंच × 5 फीट 9 इंच, 5.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अब कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट × 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। जो हमारा स्टेयर केस टोटल बन रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट के अंदर और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट 2 इंच के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टेयर केस है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर आप इसके नीचे यहाँ पर अपने डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हो। ठीक है, अब डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा भी हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 13, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट 1 इंच × 6 फीट 7 इंच, 6 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते हैं, हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम वापस बाहर आते हैं इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दोनों दीवारों के बीच में जो हमारा कॉरिडोर है वो 6 फीट 1 इंच है। तो आप यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो इस कॉरिडोर की 1.4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है और यहाँ पर आपका छोटा सा आप चाहो तो पूजा रूम सेट कर सकते हो। और फिर इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाज़ा और हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 13, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की 1.3 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर और 1.4 फीट की विंडो पीछे उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा, अटैच टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट × 6 फीट 1 इंच, 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 1.2 फीट का वेंटिलेशन पश्चिम दिशा के अंदर और 1.2 फीट का वेंटिलेशन पीछे उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आप उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया किचन, ये बेडरूम, यहाँ पर घर का मेन डोर, ये लिविंग एरिया, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये स्टेयर केस विथ डाइनिंग एरिया, यहाँ पर ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये हमारा कॉरिडोर, यहाँ पर पूजा रूम लग जाएगा, ये बेडरूम और इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 20 बाई 60 के अंदर ये मकान बन रहा है और तीनों तरफ इनकी
चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, 3 बेडरूम है इसके अंदर, 2 बेडरूम का टेस्ट टॉयलेट है, 1 कॉमन टॉयलेट है, लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, और वेंटिलेशन तो इनकी खुद की जगह है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, सब जगह विंडो हमारी निकली हुई है। तो इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।